देश में लगातार तेजी से मौसम बदल रहा है। पिछले कई दिनों से मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट भी दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली के लिए बीते दिन बारिश का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। दिल्ली में सर्द मौसम के बाद अब झुलसाने वाली गर्मी की बारी है। रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और पारा 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान क्रमश 31 और 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 11 मार्च तक ऐसे ही मौसम के रहने के आसार हैं। सोमवार को दिन के वक्त तेज हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं आज फिर से मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं बिहार में भी 3 दिनों के अंदर तेजी से मौसम बदल सकता है। 11 मार्च तक राज्य में बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह में जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना है। हालांकि बारिश तेज नहीं बल्कि कम ही होगी। इस दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। पौड़ी और चमोली समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम के लिहाज से अगले 24 घंटे मुश्किल भरा रहने वाला है। अगर बात झारखंड के मौसम की करें तो यहां के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने 11 से 12 मार्च को जमशेदपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस 2 दिन झारखंड में आंशिक बादल के साथ बारिश, गरज और वज्रपात की संभावना है। वहीं 10 मार्च को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।